दोस्तों, मौका हमेशा नहीं आता, इसलिए उन्हें पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो समय रहते अवसर का सही उपयोग करते हैं। हर कदम चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले ही जाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक मजदूर रहता था, जो कि मिट्टी खोदने का काम करता था। केशव रोज मिट्टी खोदता और अपने गधे पर लादकर गांव से शहर ले जाता था, और शहर के व्यापारियों को केशव अपनी मिट्टी बड़े ही कम दामों में बेचता था। एक दिन मिट्टी खोदते समय केशव को बेस कीमती हीरा मिलता है, लेकिन केशव को नहीं पता था कि वो एक कीमती हीरा है, तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो अपने गांव से गधे को शहर ले जा रहा था, तब उसके पास एक सेठ जी आते हैं, जो कि गांव में एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे। उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो केशव से पूछा कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। तब केशव ने कहा कि ये एक चमकीला पत्थर है जो कि मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वह चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी केशव से वह चमकीला पत्थर 50 रुपए में खरीद लेते हैं, और वो उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान की तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी ग्राहक सेठ जी की दुकान पर आता, वह उस पत्थर की बड़ी ही तारीफ करता। तो एक बार एक जोहरी सेठ जी की दुकान पर आता है, और जब उस तराजू पर लटके उस चमकीले पत्थर को देखता है, तो वह जोहरी समझ जाता है कि ये बेस कीमती हीरा है, और वह सेठ जी से पूछता है कि ये क्या है और आपने इसे अपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जोहरी से कहते हैं कि ये एक चमकीला पत्थर है जो कि मैंने अपने गांव के एक केशव नाम के मजदूर से 50 रुपए देकर खरीदा था। वो जोहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जोहरी से कहते हैं कि अगर तुम इस चमकीले पत्थर को खरीदना चाहते हो तो तुम मुझे 100 रुपए दे दो और इस पत्थर को ले जाओ। अब वो जोहरी जो था बहुत ही कंजूस था, उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपए पर ही अड़े रहे, पर वो जोहरी ये सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, मैं कल फिर आऊँगा और 90 रुपए देकर इस पत्थर को लेकर चला जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, उसी दिन शाम के समय एक दूसरा जोहरी उसी गांव के मार्ग से होता हुआ जा रहा था, और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, तो वह जोहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है, और जब वो उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में बात करता है। सेठ जी भी उससे वही बात कहते हैं कि 50 रुपए में मैंने खरीदा था और मैं तुम्हें 100 रुपए में इसे दे दूंगा। दोस्तों, वह जोहरी बहुत ही होशियार था, बिना किसी सेकंड को गवाए उसने 100 रुपए में वह पत्थर खरीद लिया और वहाँ से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जोहरी सेठ जी की दुकान पर आता है, और जब उसकी नज़र उस तराजू पर पड़ी, तो उसे वो हीरा वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। उसने सेठ जी से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब यहाँ आए थे और वो पत्थर उन्हें पसंद आ गया था, उन्होंने 100 रुपए देकर वह चमकीला पत्थर मुझसे खरीद लिया और उसे यहाँ से लेकर चले गए। अब ये सुनने के बाद उस जोहरी को काफी पछतावा होता है और उसे काफी गुस्सा भी आया, तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो तो एक बेस कीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जोहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि आप तो मुझसे भी ज्यादा बड़े पागल हो और बेवकूफ भी हो। खैर, मुझे तो उस पत्थर के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपको तो पता था कि वो एक बेस कीमती हीरा है, और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए झिकझिक कर रहे थे, तो अब आप बताइए कि मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है, आप या मैं, जिन्होंने 20 रुपए के लिए एक बेस कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें इस कहानी से 3 सीख मिलती हैं। पहली ये कि कंजूसी भी वहीं पर करो जहां उसकी ज्यादा जरूरत हो।
अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गवा दोगे और बाद में पछताओगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हाथ में आया मौका अपॉर्चुनिटी कभी भी गवानी नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गवा देते हैं। और दोस्तों अंत में तीसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है, कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने अक्सर कई बार सुनी होगी कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि सही समय कभी नहीं आता, अभी जो चल रहा है वही सही समय है। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।